मॉर्निंग गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लव इन द हिमालयस। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज प्लान बन रहा है ज्वालामुखी या चिंतपूर्णी जाने का, बता दूंगा मैं कहाँ जा रहे हैं। और प्लान इसलिए बन रहा है क्योंकि आज है जीजू जी का बर्थडे, तो हम सोच रहे हैं कि मंदिर जाए। तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से मंदिर के लिए, तो मैं जब निकलेंगे तब हमारा प्लान बन जाएगा कि हमने कहाँ जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जाएंगे माता चिंतपूर्णी, और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या करे जा रही हूँ यार। तो चलो चलो चलते हैं माता चिंतपूर्णी। जय माता दी। दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए थे चिंतपूर्णी, गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है और तक्षी ने भी पॉटी कर दी, तो इसका डाइपर चेंज किया और अब ये खुश है। अब चल पड़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे ऊपर ये मंदिर, हम भी पहली बार आए हैं और ये रही प्रियंका, कुछ सामान लेके आई थी और तक्षवी को भी हम बेल्ट में कैरी करेंगे तो वो बेल्ट लेके आए। तो दोस्तों आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है, उनमें से एक माता चिंतपूर्णी भी है। तो अब हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मिले थे और ये देखो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो लोग बहुत ही शिद्दत के साथ यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद हम काफ़ी जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही थी, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सी मार्केट भी है। तो अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं और हमें 1 घंटा हो गया है और मंदिर अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। तो चले हुए थे माता जी के जय माता दी करते हुए हम सभी बात। चिंतपूर्णी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ। इन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। ये सभी मंदिर शिव और सती से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों में देवी जी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दस ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने शिव और सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। इससे माता सती को बहुत बुरा लगा। वह बिन बुलाए यज्ञ में पहुंच गई जहां शिव का काफी अपमान किया गया। इसे सती सहन नहीं कर पाई, वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकाल कर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। वैसे ही यहां पे माता जी के चरण गिरे थे और इस नाम को माँ चिंतपूर्णी का नाम मिल गया। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे, तो फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे हम सब, क्योंकि मंदिर आए और फोटो ना खिंचवाए ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे फोटो वगैरह सब फोटो ले रहे थे, हमने भी फोटोज ले लिए थे। हम चल पड़े अब घर की तरफ को। जय माता दी। तो काफी अच्छे दर्शन करने के बाद हम अब वापस जा रहे थे घर की तरफ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और ऐसी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।